हेलो दोस्तों, मैं निर्मल भाई कुबेर। दोस्तों कैसे हो, सब लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों ये टीवीएस के इंडोर गाड़ी मैंने खोल रखी है, फुल इंजन रिपेयर और पार्ट 4 है। और इसमें हम आपका क्लच शू, हेड सिलेंडर की फिटिंग, टाइमिंग चेन की सेटिंग, टैपेट की सेटिंग, दोस्तों सारी कुछ इसमें मिला के इसके अंदर दिखाने वाले हैं। और दोस्तों जुड़े रहिए, जो कुछ आपके सामने है और एक से एक आपको ट्रिक दिखाएंगे इसके अंदर कैसे सही किए जाते हैं। दोस्तों जुड़े रहिए जैसे भी है। जैसे दोस्तों ये क्लच शू का हिस्सा है, हमने क्या करना होता जी, जब भी गाड़ी वाइब्रेशन करती है तो दोस्तों ये रोल होते हैं गोलियां, इनको हमने ब्रेक मार से घिसना होता है। और अगर ज़्यादा कट जाती है तो दोस्तों हमें नहीं चेंज करनी होती है, ये वाइब्रेशन को होता है मेन चीज़। तो हमने इसका रिपेयर किया है, हमने गोलियाँ इसकी ठीक थी इसकी। और ये चीज़ ज़्यादा ख़राब हुआ है तो दोस्तों इसको चेंज कर डाले, जैसे कटकट की आवाज़ आती है इन चीज़ों से भी। ऐसे हिला के चेक कर लें, ज़्यादा प्लेट नहीं इसके अंदर। क्लच शू को हमने रेगुलर मार से सेट कर दिया है और मेन चीज़ इसमें ग्रीस ऑयल डाल के हमने इसके अंदर ग्रीसिंग कर दी है अच्छी तरीके से, जिससे ये सूखापन ना रहे बैरिंग, क्योंकि इसमें जब निकालते हैं तो सूखापन निकलता है, तो इसमें ग्रीसिंग व्रीसिंग कर दो तो बढ़िया हो जाता है। और ये इसका ड्रम होता है पिकअप के लिए, हमने तो इसको भी रेगुलर मार दिया। बेल्ट ज़्यादा कटी हो तो दोस्तों चेंज करनी पड़ती है, जैसे ठीक है बेल्ट इसकी भी, ये हिस्सा हमने चेंज नहीं किया है, खाली हमने रिपेयर किया है। इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको दबाएंगे ना तो अपने सही तरीके से नट इसका ये वाला टाइट हो जाएगा यहाँ से। एक रिचर्ड है ये वाला, सीधी चूड़ी होती है इसकी। ये दोस्तों ये ड्रम लग गया, ज़्यादा कटता है दोस्तों, ये चेंज करना पड़ता है, इसे पिकअप नहीं आता गाड़ी के अंदर, इससे ये क्लच ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो चेंज करना पड़ता है। दोस्तों ये यहाँ से फिट हो गया है, अब इसको टाइट कर देना है, उसके बाद हम हेड सिलेंडर की तरफ चलते हैं फिट करने के लिए। तो दोस्तों मैं इसका हेड सिलेंडर फिट करने के लिए जा रहा था और इसमें जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम इसके पैकिंग लगाते हैं ना, ध्यान रखना मेरी बातों का, सुनना ध्यान से, इस पैकिंग को लगाते हैं, ये ऑयल पंप का सुराख है, ठीक है। हम इसको पैकिंग को लगाएंगे तो ये ऑयल पंप का सुराख बंद हो जाएगा, ये देखो ये बंद हो गया बिल्कुल यहाँ से। तो दोस्तों अगर अब यहाँ से बंद हो जाएगा तो दोस्तों ऑयल की सप्लाई जाएगी नहीं बिल्कुल भी, ऑयल यहाँ से पहले हेड में जाता है, ये सिलेंडर से ये कटे ना आपका निशान, यहाँ से ये वाला स्टड से जाते हुए यहाँ से जाएगा, उसके बाद ये वाला स्टड से ऑयल इसके अंदर घूमता, दोस्तों ऑयल सारा इसके अंदर घूमता है स्टड के, ये वाला स्टड है, इसमें सुराख दे रखा है,
इसमें सुराख दे रखा है, यहाँ से घूम के फिर वापस इसमें जाता है इस वाले स्टेट में। तो दोस्तों क्या करना होगा, मुझे हल्की सी कटिंग करनी होगी जिससे ये सुराख ओपन हो जाए, यहाँ से जो इसकी सप्लाई यहाँ से आ गए अच्छी तरीके से आ जाए यहाँ पे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये अभी सुराख इसका ढक चुका है, अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं दोस्तों ऑयल की सप्लाई बहुत कम जाएगी और सीज मारने का डर रहेगा क्योंकि ऑयल ही नहीं पहुँचेगा अपना हेड तक, तो ये सूखा बन जाएगा दोस्तों, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो भी चीज़ फिट करो ना तो सोच समझ करो कि यार बाद में दिक्कत ना हो। तो मैंने बहुत तसल्ली से गौर करके ही ध्यान दिया है, फिर मैंने आपकी बात शेयर करी है, ठीक है ना। तो कोई बात है सवाल जो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हो, बाकी आपके सामने ही है इस पैकिंग के अंदर दिक्कत है या सुराख सेंटर नहीं मिल रहा, तो इसे थोड़ी कटिंग करके मैं जुगाड़ करके दिखाता हूँ अभी। तो जेन्युइन पैकिंग सिलेंडर किट के अंदर आती है, मगर हम पैकिंग खुली लेके आए थे अपने पैकिंग से। तो दोस्तों जुड़े रहिए जैसे है। तो दोस्तों मैंने इसकी कटिंग इस पर सिलेंडर रख के कर ली है, देख सकते हैं सही तरीके से हो रही है। अब इसमें से कुछ लगा के और चेक कर लेता हूँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है, इसमें हो जाएगी सेटिंग नहीं बैठेगी। तो मुझे आप देख सकते हैं मुझे सुराख ये सुराख देख लो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा मुझे। देख लो ना ये सप्लाई अब सही तरीके से जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। ये सुराख दिखना चाहिए था, पहले सुराख नहीं दिख रहा था, अब सुराख दिख रहा है इसके अंदर। दोस्तों इसी तरीके से करना जैसा भी है आपके सामने है। बाकी इसमें ना मोड लगा के इसको फिट करता हूँ, सिलेंडर को फिट कर देता हूँ। पिस्टन में इसमें फिट करूँगा, पहले पिस्टन इसमें फिट करके फिर इसके ब्लॉक डालूँगा ये सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद बाकी की तरकीब बताता हूँ। तो दोस्तों ये इसका मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है और ये इसका सुराख। जैसे कि दोस्तों सुराख आपको सामने नज़र आ गया, देखो कटिंग करी थी मैंने इसके अंदर फिट कर लिया मैंने। और हमने इसके ब्रश लगा लिए, ब्रश ज़रूरी है जो एक्यूरेट सीधा जाए। ये टाइमिंग चेयर में कपड़ा बांध लिया जिससे रिंगे हमने चेक कर लिए पहले सीधी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
सही तरीके की सेटिंग आ गई है। दोस्तों ये नट इस तरीके से टाइट करना चाहिए जो बैक मारे हल्का सा, ये देखो ज़्यादा जोर लगाने से स्टड टूट सकते हैं, ये देखो बैक मारा ना, ये देखो बैक मार रही है। फुल टाइट करने के बाद ये देखो गोटी बैक जैसे मारे तो टाइट हो गए फुल। दोस्तों टाइमिंग मिलाने का तरीका है, ये निशान है और ये कट का निशान यहाँ मिलाना होता है बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे कि ये देख सकते हैं। और पिस्टन मैंने यहाँ पर टॉप पे करके चेक कर लिया है। जैसा कि ये देख सकते हैं पूरी बिल्कुल सामने ये तरीका होता है। अब इसको फिट करने के बाद तब इसके टेपर में सेट करूंगा दोस्तों, तब इसका साउंड अच्छा निकलता है जब हम टाइमिंग वगैरह ये चैन एडजस्टर ब्लू सेट करके और मैं इसको सेट करूंगा तो बहुत अच्छा साउंड निकलता है इसे। और जुड़े रहिए दोस्तों, जैसा भी है तो आपके सामने ही है। दोस्तों ये सेविंग वाला ब्लेड मैंने लिया है और इसको मैं इस तरीके से डाल के कितना करना है जैसे ऊपर ऐसे कितने प्ले होने चाहिए, ज़्यादा टाइट करते हैं तो दोस्तों टैपर ज़्यादा टाइट हो जाएगा, हल्का सा मामूली सा ऐसे इस तरीके से हर कोई वाल को ऐसे सेटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइट नहीं रखने और ये ब्लेड आराम से इसके अंदर चला जाए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये है टैपर की सेटिंग। बाकी सी पत्ती अलग से आती है टैपर चेक करने वाली, 4 mm की लगती है तो ये उसी के बिल्कुल बारीक है, हल्के से लूज रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही सारे हमने वाल टेपर चेक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने चकनेट कर देंगे इसको इस तरीके से, दोनों को चेक करने हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो भाई आपका ये बॉडी में चढ़ा दिया इंजन, ये नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं अभी, ऑल बाहर आ जाओ, ऑल डाल दिया है ये कवर। गर्मी बहुत भाई जुलाई के महीने में आ दिया, अब चाबी लगा देते हैं कितनी गाड़ी क्या कहती है। गाड़ी का साउंड 1 नंबर हो चुका है। अब दोस्तों हमें इसकी सप्लाई और चेक करनी है यहाँ से, अब देखते हैं इसमें ऑयल आ रहा कि नहीं आ रहा, ऑयल आ रहा है थोड़ी सी लेती है बस, ये मेरा ऑयल गीला हो गया देखो। गाड़ी का साउंड बढ़िया भाई 1 नंबर का, कोई कटपट की आवाज़ नहीं है इसमें भाई। बिल्कुल साइलेंट साउंड है इसका,
किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये आपके सामने ही है सारा खुलासा इस गाड़ी के अंदर हमने किया है। तो एक नंबर गाड़ी जिसे बोलते वो हो चुकी है फर्स्ट क्लास। ऑयल की सप्लाई वगैरह बिल्कुल साइलेंट, कोई किसी प्रकार की कटपट की आवाज़ नहीं इसके अंदर, कोई स्मोकिंग नहीं, कुछ नहीं। मेरे पास गाड़ी जाम आई थी और आप देख लो गाड़ी कंडीशन और अंदर इंजन की कंडीशन कैसी थी। तो दोस्तों जैसा मैं आपके सामने ही है, देखते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।